छतरपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह अब विधायक के परिवार पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। ताजा मामले में आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित के भाई उनकी पत्नी पर हमला कर दिया और फरार हो गए। छतरपुर में बदमाशों और गुंडों का राज चल रहा है। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित के भाई और पत्नी पर हमला कर उनकी कार में तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि यह हमला तब किया गया है जब वे छतरपुर से उजरा गांव जा रहे थे। विधायक के भाई पर हमले की खबर लगते ही भारी भीड़ थाने पहुंच गई। विधायक का आरोप है कि बदमाशों द्वारा उनके भाई के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि ये हमलावर उनको मारने आए थे क्योंकि 6 महीने पहले भी उनके पास एक धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई थी जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली थाने में की थी। वहीं विधायक के भाई पर हमले की खबर लगते ही एडिशनल SP सहित भारी पुलिस बल थाने पहुंच गया। पुलिस ने विधायक के भाई पर हमले की FIR दर्ज कर ली है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पुराने थाने के आगे मोड़ पे उसकी गाड़ी पे 3-4 मोटरसाइकिल वाले आते हैं और पत्थर फेंकते हैं और उस पर हमला करते हैं, और जब वो ड्राइवर तेज स्पीड से गाड़ी बढ़ा देता है तो सब भाग जाते हैं। वो आके वो सीधा थाने में खड़ी करता है। ये घटनाक्रम उसने बताया कि ये कहा कि विधायक जी बाहर निकलो और गोली मार देंगे। वो ड्राइवर हमारा जो भी था उसमें उसने तत्काल गाड़ी पर महाराजपुर विधायक श्री नीरज दीक्षित के छोटे भाई अपने परिवार के साथ लौट रहे थे, तो जैसा उनके द्वारा FIR में लेख कराया गया है, 3 लोग थे जिन्होंने गाड़ी पे हमला किया और उनके FIR के अनुसार उनके हाथ में कट्टे भी थे। उस आधार पे हमने FIR दर्ज कर ली है और इसको काफ़ी मुस्तैदी से हम लोग जाँच करवा रहे हैं। उम्मीद है रात में ही हम लोग आरोपियों को राउंड अप करें। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने-बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।